हेलो एंड वेलकम बैक टू बेस्ट एवर कुकिंग शो। हाय, मैं हूँ शिप्रा और आप सबका स्वागत है हमारे शो में। तो आज हम बनाएंगे मखाना की यमी वाली सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए मखाना। यूज समथिंग अनयूजुअल, क्लासी, अनहर्ड, सेक्सी, ब्यूटिफुल, यमी, एलिगेंट, स्टाइलिश, वेरी रेयर फूड दैट इज सो अंडररेटेड बट इज सो 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 यम। इट इज कॉल्ड मेथी मलाई मटर मखाना। मेरे लिए इट्स प्रिटी रेयर, पर यह बेहद सरप्राइजिंग है कि आई हैव गॉट एन अमेजिंग हस्बैंड जो मुझे सरप्राइज करते हैं ऑलमोस्ट हर बार, जब जब मुझे ये लगे कि मैंने इनकी सारी डिशेस चख ली है। एनीवेज, हियर वी हैव अ फ्यू वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स टू कुक दिस अमेजिंग डिश एंड दे आर 1 कप कटा हुआ प्याज, लगभग आधा कप काजू का पेस्ट, 4 टेबलस्पून क्रीम, 2 छोटी चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर एंड 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट 2 कप मखाना। चलिए अब ले लेते हैं एक गर्मा गर्म पैन, जिसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून घी, देसी घी, घर का बना हुआ। वाह वाह वाह। अच्छा, बचपन में आई रिमेम्बर मेरी मम्मी जब मखाना रोस्ट करती थी इन घी, 1 चुटकी नमक और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो दिन और आज का दिन, एकदम नॉस्टैल्जिक हो गई। आपको पता है मखाना में इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको फॉक्स नट्स भी कहते हैं, विच आर रिच इन फ्लेवोनॉइड्स। एक तरह का केमिकल है दैट हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। It slows down the aging process. Flavonoids present in the fox nuts are also antioxidants which detoxify spleen, maintain blood pressure, fights infertility, rich in calcium and helps people with arthritis. चलिए वापस चलते हैं। अब ये गर्मा गर्म पैन में जो घी डाला उसमें हमने मखाना रोस्ट कर लिया, फिर बारी बारी प्याज और जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट को अच्छे से भून लिया, बट पहले प्याज को लगभग 3 मिनट और फिर जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक, ताकि दोनों का रॉनेस चला जाए। अब उसमें हम डालेंगे कैश्यू पेस्ट और 4 बड़ी चम्मच क्रीम। अब भैया मेथी मलाई मटर बोला है तो बारी है आधा कप ग्रीन पीस डालने की। चलिए अब इन सबको अच्छे से हल्का सा पानी डाल के मिला लेते हैं। फिर डालेंगे उसमें 1 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर, मिलाकर डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक डालकर इसे अच्छे से पका ले, फिर उसमें डालेंगे 1 चुटकी से ज़्यादा सैफरन यानी कि केसर, इससे एक अद्भुत खुशबू एंड फ्लेवर आता है। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसे हमने तवे पे रोस्ट कर लिया है, और यूं अपने हाथों से क्रश कर लीजिए क्योंकि इससे उसकी खुशबू में और निखार आता है, ट्राई करके देखिएगा। अब इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, ये वाला घी ऑप्शनल है, सुड ने डाला क्योंकि इससे रिचनेस एंड रजायत आती है। खैर, अब मखाना डाल के 5 मिनट ढक के रखे एंड सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी और दाल चावल के साथ। अरे कहाँ जा रहे हो, जाते जाते जरा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे, लाइक एंड कमेंट, एंड यस लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू सैटरडे विद द नॉनवेज वर्जन ऑफ दिस। बाय बाय।